मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पंजाब की प्रसिद्ध दही की लस्सी बनाकर दिखाऊंगी, जो पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम दही लिया है और फिर हम इसे मिक्सी में ना डालकर, जो ब्लेंडर होता है, जो रई होती है ना, या मथनी, उससे मथेंगे। इसमें हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर ली है। फिर हम इसे अच्छे से 5 मिनट तक मथते हैं। ध्यान रहे, जो मथनी है ना, उसे मुझे नीचे न ले आकर थोड़ी ऊपर ऊपर से इसे मथना है। देखिए, ऊपर ऊपर ही ऊपर रख करके हम इसे मथेंगे तो इसमें झाग आ जाता है, बबल्स टाइप के आ जाएंगे इसमें, जिससे वो लस्सी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब हम 5 मिनट तक इसे अच्छे से मथ लेते हैं। फिर इसके बाद जो हमने आइस के छोटे छोटे से क्यूब्स करके रखे हुए थे, वो क्यूब्स इसमें ऐड कर देते हैं। फिर इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से मथनी को चलाएंगे और देखिए, हमारी जो लस्सी है वो बन गई है। अब हम एक ग्लास लेते हैं और उसमें थोड़े से जो आइस क्यूब्स हैं, हम उन आइस क्यूब्सों को डालेंगे। फिर हम अपनी लस्सी को डालते हैं। देखिए, लस्सी कितनी अच्छी बनी हुई है। इसके ऊपर से हम थोड़े से आइस क्यूब्स और डाल देते हैं। फिर हम इसमें थोड़ी सी जो रुआबजा आती है ना, उस रुआबजा को ऐड करेंगे। पहले मैं इसमें 1 से 2 चम्मच रबड़ी ऐड करती हूँ, या आप चाहें तो दूध को गाढ़ा कर सकते हैं। मैंने इसमें रबड़ी ऐड की है और फिर रुआबजा को डालेंगे। इससे लस्सी है ना बहुत ही स्वादिष्ट लगने लगती है। आप इस तरह से लस्सी ज़रूर बनाकर घर पर ट्राई करें और चेरी लगाकर सर्व करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नई रेसिपी की वीडियो के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें।